स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे आप देख सकते हो टॉयलेट का ये मेट्रोपोल पुश वाल्व काम नहीं कर रहा। इसमें से पानी दोस्तों लीकेज हो रहा है, कॉमोड के थ्रू से पानी बहता जा रहा है, तो काफ़ी पानी वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे। इसको मुझे रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके में आपको बताऊँगा इसको रिपेयर करने का। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको मैं पुश कर दिया, उसके बाद में इसका पानी जो है दोस्तों कंटिन्यू निकल रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को रिपेयर करके बताऊंगा। अगर इस टाइप से आपका मेट्रोपोल पुश फ्लैश बल्ब लीकेज होता है तो उसका आपको रिपेयर कैसे करना है। तो चलिए इसको मैं आप भी खोलता हूँ और इसका प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले देख लेता हूँ। तो आपको स्क्रू ड्राइवर से इसका ऊपर का कवर को सबसे पहले कुछ इस टाइप से खोल लेना है सावधानी से, कि ये थोड़ा कट लग के बैठ जाता है, तो आपको आराम से इसको निकालना है। ये टूटने फूटने का भी चांस रहता है, तो जैसे ना टूटे उसके हिसाब से आपको खोलना है। उसके बाद में इसका अंदर का ग्लोसी को आपको लेफ्ट साइड में घुमाकर खोल लेना है। ये आप देख लीजिए, ये जगुआर का मेट्रोपोल पुश वाल्व लगा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में इसके हेड को मैं खोल लिया हूँ और अंदर का ये वाला आपको अंदर की तरफ पुश करके ऐसे निकाल लेना है स्प्रिंग समेत। ये आप देख लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए आपको 24x27 का स्पिनर पाना इसका इस घाट में आपको बिठाना है, और उसके बाद में इसको खोलना है। यहाँ पे 24x27 का स्पिनर पाना यानी बॉक्स पाना भी इसे बोलते हैं, तो इसको मैं लगा देता हूँ और हल्का आपको ठोक लेना है ताकि सही से पकड़ में बैठ जाए उसका घाट पे। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में इसको भी घुमाकर इसका अंदर का जामनाट को खोल लेना है अच्छे से। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसका अंदर का जो प्लास्टिक का ये वाला किट है, आपको इसको सावधानी से निकालना है स्क्रू ड्राइवर से। यहाँ पे ये टूटने का चांस रहता है, अगर ये आप थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे इसको निकालने में तो ये टूट भी सकता है। अगर टूट जाएगा तो पूरा ये दोस्तों इसका अंदर का जो किट है पूरा वेस्टेज हो जाएगा, तो आपको उसको सावधानी से निकालना है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको निकाल लिया हूँ और यहाँ पर इसका प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, इसका जो ये वाला घाट है ये बाहर निकल कर आ गया, इसको वहाँ पे सामने के साइड में बैठना चाहिए। आप देख लीजिए इधर निकल कर आ गया, इसीलिए वर्क नहीं कर रहा था, तो पानी कंटिन्यू बहते ही जा रहा था। यहाँ पे मैं आपको फिंगर बता रहा हूँ, वहाँ पे इसका घाट रहता है और वो किट वहाँ पे बैठा नहीं, वहाँ से निकल कर बाहर आ गया। तो ये जो दोस्तों किट है, इसको अगर मैं वहाँ पर बिठा दूँगा तो ये प्रॉपरली काम करने लगेगा, लेकिन यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो दोस्तों अंदर का घाट है मुझे ये ख़राब हुआ लग रहा है, यानी इसका सलिया का जो घाट है ये। अब देख लीजिए, इसको मैं जहाँ पे बैठना चाहिए तो वहाँ पे मैं लगा दिया हूँ और इसको एक बार घुसा कर इसमें देख लेता हूँ। तो ये जो दोस्तों अभी तो अगर इसको मैं लगाऊंगा तो टेम्पोरारी ये सही हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंटली इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बाद में भी वैसा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज ही करने वाला हूँ। यहाँ पर अब देख लीजिए सलिया का मैं आपको घाट दिखा रहा हूँ, ये जो दोस्तों रस्ट लग कर पूरा प्लेन हो चुका है, तो इसके वजह से ये थोड़ा खड्डा इसका जो है दोस्तों कम हो चुका है, तो इसके वजह से वो किट जो है बार बार निकल कर बाहर आ जा रहा है, इसीलिए पानी दोस्तों कंटिन्यू निकल रहा था। यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाला, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसका जो घाट है वो कम हो चुका है इसीलिए। तो इसके वजह से दोस्तों इसको रिपेयर तो ये उसके वजह से हो नहीं पाएगा, इसके वजह से मैं यहाँ पर मेट्रोपोल का जगुआर टाइप किट लाया हूँ अंदर का, तो इसको मुझे लगाना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, तो इसको मैं खोल लेता हूँ, चेंज करना पड़ेगा अभी इसको, क्योंकि उसका अंदर का जो दोस्तों सलिया है वो ख़राब हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको जैसे ही बताया हूँ, तो ये सब को मैं खोल लेता हूँ। अब इसका नया जो पार्ट्स है इसका अंदर का, इसको मुझे लगाना है। यहाँ पे दोस्तों इसका 32 mm और 40 mm का अंदर का पार्ट्स मिलता है, तो आपको हेड से पहले चेक करके देख लेना है कितना वो mm का ये मेट्रोपोल पुश वाल्व लगा हुआ है, उसके हिसाब से आपको किट लेकर आना है मार्केट से जाकर। यहाँ पे देख लीजिए इसका किट जो है दोस्तों यहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे लगा हुआ है, तो और बहुत अच्छे से बिठाया मतलब बैठा हुआ है। तो मेट्रोपोल पुश वाल्व अगर दोस्तों 10 साल पुराना हो जाता है उसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आता है यहाँ पे, तो आपको इसको चेंज करना ही रहता है। उसके बाद में इसका अंदर का दोस्तों ये प्लास्टिक का घाट को नया वाला का जैसा पुराना वाला का लगा हुआ था इसको मैं लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर इसका अंदर का ये जाम नट लगा देता हूँ और इसको टाइट कर दूँगा, और आप लोगों का भी पानी चालू करके बताऊंगा ये सही से वार्क करता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये भी जो है जगुआर टाइप है, पूरा जगुआर का ओरिजिनल जो है किट पार्ट्स, उसका दाम जो है प्राइस काफ़ी हाई होता है, तो ये वाला भी दोस्तों मतलब जगुआर टाइप है इसमें मैचिंग करता है, तो आसानी से भी दोस्तों काम करेगा और प्रॉपरली काम करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब स्प्रिंग को आपको थोड़ा खींच कर बिठाना पड़ेगा इसके अंदर, अब इसको पुश करके मैं इसमें बिठा देता हूँ। अब देख लीजिए,
अब जो है ये अच्छे से काम कर रहा है, पुश कर रहा है। अब मैं आप लोगों को पानी चालू कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अभी, ये आप देख लीजिए। अब उसका पानी जो है चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लीकेज नहीं हो रहा है। अब मैं आप लोगों को फ्लास करके दिखाऊंगा यहाँ पे, अगर ये फ्लास करने के पुश करने के बाद में ऑटोमेटिकली बंद होता है या नहीं। अब देख लीजिए, इसको मैं पुश कर दिया हूँ यहाँ पे, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये इसमें पानी काफ़ी अच्छा आ रहा है और ये अब देख लीजिए दोस्तों, प्रॉपरली काम कर रहा है, मतलब बंद हो चुका है। तो लाइन का जो थोड़ा बहुत पानी आता है उसको आने के बाद में ये बंद हो गया है। अब उसके बाद में इसका मैं ऊपर का अंदर का हेड और ग्लोसी को मैं लगा देता हूँ और इसका कवर को लगा देता हूँ। तो उससे ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।